सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार भाई। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ भाई। हरियाणा के कोण कोण में आपे आज करांगे SCRT विषय हिंदी का पाठ 3 घड़े की बात। और इसमें भाई आपे चर्चा भी करांगे भाई घड़ा कुकर बना जावा है, मटका पेंडा कुकर बना जावा है, कौन बनावा है, किस किस ते यू पेंडा बना है, कुकर यू ठंडा पानी देवा, सारी चर्चा करांगे। तो वह चुन्नू मुन्नू अपना ध्यान तो सुनोगे के त्यार है वह जमा लाडू लुडू खाए गए ना कि ईगा खाए गए ना दूध दाद पी के ना कि मैं टिंडगी भी मिल जाए के। देखो वह बिले, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम था धनी राम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन खिलौने आदि बनाता था, खिलौने आदि बनाता था। तो वह गामा में बड़को एक आदमी के दो दो तीन तीन नाम तो हो जाए हैं। तो धनी राम नाम टेकया था कर क्या ना धनिया कहने लग गए उसने। तो आगे देखो वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता, खिलौने बनाया करता, और के बनाया। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया, एक दिन उसने बड़ा सा घड़ा बनाया, उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया, रंगों से सजाया, घड़ा बहुत सुंदर बन गया, घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था, देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया, उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा, सपने में उसने देखा, घड़े के पास पड़ी मिट्टी, घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े मैंने तुझे बनाया, ओ घड़े मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई, तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका, तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका, और कहने लगा, और कहने लगा, मिट्टी रानी, मिट्टी रानी, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया तुम थी, धूल की बस एक ढेरी, धूल की बस एक ढेरी। तो भाई पानी की और माटी की लड़ाई मच रही थी। माटी बोली मैंने बनाया घड़ा, और पानी बोलिया मन्ना आगे। देखो भाई, मिट्टी और पानी की बातें सुनकर, मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला, चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान, इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान, बात यही लो मान। देव बीच में तीसरा और कूद गया चाक, जिसके ऊपर वो घड़ा बना कर गोल गोल लाठी गले घुमा कर रहे हैं। तो भी ने बोला ना मन्ने बनाया है, ता मैं तो कीचड़ और पानी ढेरी थे। मिट्टी पानी और चाक की बातें सुनकर, मिट्टी पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली, आग भी जोश में आकर बोली, तुम सब बातें कच्ची करते, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा, कच्चा काम तुम्हारा, तप कर मुझ में बना घड़ा यह, तप कर मुझ में बना घड़ा यह, असली काम हमारा, असली काम हमारा,
आएगी भी कूदगी भाई, बीच में निबली मन्ना बनाया है पकाया कहना था, मैं तो कच्चा काम करो हो, जे यू कच्चा घड़ा अंदर तो इसमें पानी ठहरे ही कौन था, मन्ना पकाया कहना घड़ा तैयार करया है, तो भाई सब का लठ बाज गया, माटी का पानी का चाक का रैग का आगे के बनेगी, देखियो रे सुलझाइयो इनका कि मैं झगड़ा तार पर सुलझे। तो धनिया ने सबकी बातें सुनी, धनिया ने सबकी बातें सुनी, वह बोला सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना वह बोला किसी एक का काम नहीं यह सबकी मेहनत सबका काम मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे सुंदर काम। यह बात सुनकर धनिया की आंख खुल गई। उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। जमा ठाडू बोल ले बेटा, मैं भी जमा फिर तो भाई इसका मतलब था हमने भी घी गार दूध दा दे वह अगर के पिया करो अच्छी तरिया जोटा मारो ही अभ्यास का भी देखो अगला पेज। आइए शब्दों के अर्थ जाने। घड़ा मैंने के हुआ है वह मटका, पेंडा भी कहते हैं हरियाणवी में, और जोश मैंने के हुआ है उत्साह, तपना मैंने गरम होना, गरम हो गया सूरज तप जुगर तवा ताता हो तप, और वह प्रयास मैंने प्रयत्न या कोशिश, प्रयत्न करना कोशिश करना। कहानी से आगे लिखो बे, गांव के लोग धनीराम को किस नाम से बुलाते थे? गांव के लोग धनीराम को धनिया कह के पुकारते थे। धनिया नाम था बे उसका, धनिया नाम तब पुकारिया कर दे। घड़ा कैसे बनता है बे चुनु मुनुओ? घड़ा मिट्टी चाक पानी आग की सहायता से बनता है। मट्टी एग पानी और चाक की मदद से घड़ा बनाया जावे से, और पानी न की गया था भाई मट्टी ते मिट्टी रानी मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया तुम थी धूल की बस एक ढेरी। बहुत बढ़िया भाई, उसने पानी ने माटी तया बात कही थी, मन ने बनाया गड़ा मरोड़ करा था वो, और आग ने के कहा था भाई लड्डू तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा काम तुम्हारा तब कर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। एग अपनी मरोड़ दिखान लग गई भाई, ऐठ में बोली निबरीता में तो कच्चा रखो और घड़ा ने मन्ना पकाया भी मन्ना बनाया। आपकी बात है भाई बड़को, तारी बात तो हमने बतानी मन की बात ही बे, यदि आपको घड़ा बनाना पड़े तो आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी? मिट्टी पानी आग और चौक की आवश्यकता होगी, और जे लाठी नहीं होगी तो चौक कुख चल लगा भाई, लाठी की भी जरूरत पड़ेगी अपन। हाँ आगे देखो, बर्तन के अलावा मिट्टी से आप और कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं? तो भाई आप मिट्टी तो कुल्हड़ी, और भाई आप चूल्हा तवा भी बना है मिट्टी का, और भाई लोट कुजा ईडो। अरे बड़को ईडो देखी अरे तमने रे दिवाली पर चसाया करते मामे, वो बिंदोले बना ले गेट कहना ओका का चलंबर की होया करते, उसका भीतर लाठी घायल कहना ऊपर चसाया करते, और उसमें जो पछली शताब्दी में जाम लिए 1980-85-90 में उन्हें तो बेरा बेडो का था हमें कड़े जानो थे। चलो पूछियो किसे तै बड़े बूढ़िया तैर और सारी सी पुरानी चीज पूछा करो के बर्तन के चीज होया करती अपने घर में। तो आगे देखो भाई, चुने और भरे डाकिया खालिस्तान बांटता है, डाकिया चिट्ठी बांटता है, चिट्ठी शब्द होगा भाई इसमें, खालिस्तान पेड़ पौधों की देखभाल करता है, मालिक रहेगा डॉक्टर माली, अध्यापक बच्चों को पाठ खालिस्तान है नचावा है पढ़ावा है
पढ़ाता है। सुनार खालिस्तान बनाता है गहने के बर्तन है। गहने ऑप्शन है दो और दो ऑप्शन में एक छाटना है, एक गलत एक सही है। तो गहने बनावे वह बर्तन को बनाता। ठठेरा खालिस्तान बनाता है घड़े या बर्तन? बर्तन बर्तन बनाता है। आगे भाई गिने बोले और लिखे और आया तो मटकियां की पंचायत हो रही है कि कारण हो या भाई कि मैं झगड़ा हो गया कि इनका अफसरी में कुलड़ी कालड़ी का कोजी काजी का। तो देखियो कै जने हो गए हैं सारे गिनियो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह है मटके। हाँ भाई यहाँ तो जमा सारा ही कुंबा इकट्ठा हो रहा है इनका। तो आगे देखो भाई मिलान करना है अफसरी में। एक तो यो भाई कुमार है और यो चाक के ऊपर बर्तन बनाने लग रहा है तो इसका मिलान करांगे कुम्हार से। और इसका मिलान करे रखे ऊपर माली का यू पेड़ पौधों की देखभाल करा तीर का निशान कर लिया एक तो करके दे रखा है। तो सुनार कौन सा है भाई? आखिरी वाला सबसे नीचे वाला सुनार है भाई। यू ठहरे अपनी फूकनी पकनी औजार दो गहने बनाया करे हैं। और भाई डॉक्टर कौन सा है भाई इसमें? दूसरा नंबर वाला यू स्टेथोस्कोप ला रहा भाई। इसका छाती का बालक का बीमार हो रहा है। सफाई को नहीं रखता होगा, ध्यान कौन दिया होगा स्वास्थ्य की तरफ। था मैं ध्यान रखा करो भाई नहीं तो बीमार हो जाओगे। ठीक है नहीं? हाँ जी। अरे यू किसान किस गला मिला हुआ भाई? ये दो बैल सी खड़ी दो बैल यहाँ जोतन लग रहा है। बोआ है कि मैंने कि मैं भाई यू बोया भाई का टाइम आ रहा है कड़िया। तो देखो अगर हाँ भाई कौन क्या कर रहा है चित्र को देख कर वाक्य लिखो। एक बालक पींग डाल रहा है और झूलन लग रहा है तो इसका वाक्य बनाओ भाई। एक बच्चा झूल रहा है। एक बच्चा झूला झूल रहा है। आगे बताओ भाई यो के करा है। एक आदमी गाय को दूह रहा है। एक आदमी गाय को दूह रहा है दूध निकाल रहा है। थार अभी होता हो नहीं भाई स्त्रियां की निकड़ू की बाल्टी उसमें तो मार लिया करो एक गिलास का और वह मुछ सी छाप लिया करो जगूड़ा की। आगे बताओ भाई इसका वाक्य बनाओ। दो बच्चे खेल रहे जो दो लड़कियां खेल रही हैं। दो लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं। आगे भाई दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं संगम ने भी बता दिया रे। एक लड़की साइकिल चला रही है। अगला वाक्य बना दिया भाई एक लड़की साइकिल चला रही है। आगे है भाई भाषा की बात सुने बोले और लिखे। डंडा डंडा घड़ा घड़ा एक तो है भाई डै और एक है अड़ै अड़ै अड़ै। ठंडा ठंडा बड़ा बड़ा। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का चयन करते हुए सही घड़े में डालो। ले भाई दो पांडे दे रखे हैं एक मतो डालना है जो कोई चीज एक वचन में है यानी कि कल्ली एक है और दूसरा पेंड में वह चीज डालनी है जो बहुवचन में है जुकर लड़कियां कुर्सियां और भाई और मेजें चिड़ियां पुस्तकें ये तो क्या बहुवचन है और जो एक वचन होगा जुकर झूला घोड़ा वो एक वचन है। पहले पेंड में डालना है एक वचन है दूसरा में डालना है बहुवचन। देखो भाई तैयार हो नहीं? यार तो हमें रहो हो सारी अनब बिरानी के खाओ पियो हो ऐसा जमा ऊर्जावान बच्चे हाथ लग रहे हैं। नंबर एक है कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है और अंडरलाइन कर रखे है भाई इसमें नीचे रेखा लिख रखी है घड़े का तो घड़ा एक वचन और घड़े बहुवचन। तो पहला पेंड में आओगा का दूसरा में आओगा? दूसरा बहुवचन में आओगा भाई दूसरा में। लड़की झूला झूल रही है लड़की शब्द एक वचन है भाई बोलो कौन सा पेंड में आओगा रे? पहले में लड़की पंड में आ जाएगी भाई ना जी। फिर पहला में कौर था सर यह तो एक वचन है। ओ एक वचन है एक वचन अनाना पना है छोरी थोड़ी है गेटनी है उसका मैं। पेड़ पर चिड़िया चहक रही हैं। दूसरा चिड़िया होता तो एक वचन है और चिड़िया अनुनासिक लग रहा है ऊपर चंद्र बिंदु बहुवचन है। मुझे रंगीन चित्रों वाली पुस्तकें अच्छी लगती हैं। पुस्तकें शब्द बताओ भाई एक वचन में होगा कि बहुवचन में? बहुवचन में। दूसरा पंडा में गेड़ दियो इसने। और घोड़ा हरी घास चाव से खाता है घोड़ा शब्द पहला एक वचन है भाई पहले पंडा में आ जाएगा घोड़ा। तो बहुत बढ़िया भरिया भाई तमने तो। ले भाई बच्चों पक्षियों से हमने बाहें फैलाना सीखा है। क्या सीखा है? बाहें फैलाना।
अरे पायल, आकाश, संगम बहुत बढ़िया कर रहे हो। पक्षी उड़ते कैसे हैं, थोड़ा सा करके दिखाओ। हाँ, इस तरह से बहुत अच्छे। तो पक्षियों की तरह योग होता है ये भी, एक तरह से पंखों का जैसे वो अभ्यास करते हैं, हम भी ऐसे ही अभ्यास करते हैं। भाई बड़को तामे भी जो भी दिखो हो पूरा हरियाणा में, बच्चों की तरह से अभ्यास करना है। पहला अभ्यास हमारा ये दे रखा है पेज नंबर 20 पे। आगे है भाई, आगे है भाई, हमने वृक्षों से इस तरह से एक पांव के ऊपर खड़ा होना सीखा है, पेड़ के तने की तरह हम ऐसे आसन योगासन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, और बच्चे भी करके देखें भाई, चोट नहीं खा लियो रे। तो वे कछुए से हमने अपने अंगों को सिकोड़ कर कछुए का आसन के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों इस तरह से अभ्यास करोगे तो आपके शरीर लचीला भी रहेगा, सुदृढ़ भी बनेगा। और अपने जैसे स्वामी जी आते हैं सुबह सुबह, बहुत से योगी आते हैं, उनसे मार्गदर्शन में ऐसे योगासन किया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका। आगे देखो भाई, तो भाई हमने पर्वत देखो, पर्वत के समान स्थिर रहना सीखना है, तो इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। बाहों और पैरों में खून का संचरण होगा और अपना शरीर मजबूत बनेगा पहाड़ की तरह। आगे देखो बच्चों, और भाई खरगोश तो अपना सजग रहना और झुकना सीखा है, तो इस तरह से हम खरगोश जैसा आसन कर सकते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, शरीर मजबूत बनाओगे, वह पहलवान बनोगे, बड़े होकर देश की रक्षा करोगे, बता में तो भाई बहुत अच्छा। और भाई तितली तो अपन घुटनों को ऊपर नीचे करना सीखा है, जिससे अपना पैरों में खून का संचार हुआ है, जैसे तितली उड़िया कर रहा है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं भाई बालक, वेरी गुड भाई। आज सांझा ना तारा खातर रसगुल्ले लाऊंगा, रात ना सपना में आऊंगा और मीठे मीठे रसगुल्ले खुआ कर जाऊंगा भाई तमने। तड़का फिर नहीं हुए, रोज कराया करो इसे आसन। रो तीन शेर आ गए रे, मन डर लग गया है भाई, दाड़ मारो। डर लगा भाई बने तो भाई चुमा, ये शेर की तरह हमने दाड़ना सीखा है। इस तरह से अभ्यास करा करो भाई, प्राणायाम है, व्यायाम है, आसन है, बड़ों की देखरेख में या टीवी नेट आदि से देख कर ना शरीर को स्वस्थ मजबूत रखना है, क्योंकि निरोगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपे दूसरे की मदद कर सका। हाँ, अरे भाई रोगी होना तो पाप से बड़को। अरे भाई सांप तो अपन देखो ऐसे शरीर को तानना सीखा है, जैसे सांप का शरीर हो जैसे, तो ऊपर की ओर गर्दन उठा करके मुंडी ऊपर उठा लो और सांप की तरह शरीर को तानो, बहुत बढ़िया। इससे अपने कमर में दर्द या और छोटी मोटी समस्या नहीं होंगी। तो भाई बालको बहुत बढ़िया करके दिखाया तुमने। अर भाई ता में भी सारे हरियाणा के पूरे बालक है, ना जोर जबरदस्ती करनी है, ना किसी भी ढाल की लापरवाही करनी है, बढ़िया की देखरेख में योग आसन प्राणायाम अपने व्यायाम निर्धारित समय पर छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम कराया करो भाई, शरीर स्वस्थ रहोगा। यू शरीर परमात्मा ने दिया है नी, यू शरीर अनमोल गिफ्ट है एक तरह से, यार इसको स्वस्थ रखना चाहिए अपन 100 साल तक। भाई बहुत अच्छा करके दिखाया बच्चों तुमने, और ये घड़े की बात अपन ने पाठ पढ़िया कि भाई किस तरह से मटके बनाए जा रहे हैं, मटके में पानी जो ठंडा रहा है अपने देसी जो होया करते अपने प्रयोग है, उसमें एक मटका भी बहुत बड़ी खोज रही है, अपनी संस्कृति का प्रतीक है यू। और भाई बड़को आगे जाकर ना जो भी सीखो उसको जिंदगी में अपनाना जरूर है, चाहे तो हमने मटके बनाने की बात सीखी हो चाहे कुछ और हो, तो जिंदगी में अनुभव आपके पास हर एक चीज़ का होना चाहिए। आपने हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल देखा सीख्या कि मिनकी में आशा है कि आपने फायदा भी उठाया होगा। आगे फिर गेड़ा मारियो, हिंदी व्याकरण जी के सामान्य ज्ञान हरियाणवी बोली समझ दो तीस लग पहाड़े भारत को जानो, ओलंपियाड की प्रतियोगिता की तैयारी करनी है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, आगे जाकर न जिंदगी में कोई भी टेस्ट देना है तो आपने बचपन तक अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए। और बड़िया तो मैं यूँ कहना चाहूँगा भाई अभिभावकों तक बच्चा ने और अड़ंग बड़ंग दिखाने की बजाय स्त्रियों के ज्ञानवर्धक चैनल सुनन सुनन खातर है यू, वीडियो देखने तो ऐ खराब रसो पंगे हुए हैं, सिर दर्द हुआ है, तो दिखा दिया करो जरूर। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल, और आगे बांट दियो लड लो, बहुत ज्ञान का बरोटा है यू हरिकेश कापड़ो चैनल, दोहरा निराख्या कर दे, आगे बांटनी चाहिए शिक्षा।